हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो कंपनी लेके आया हूँ वो है प्रिसीजन वायर्स एंड लिमिटेड। प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, ये वायर्स की कंपनी है। अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइप्स के वायर्स रिलेटेड, कॉपर वायर्स, बेंड वेल्डिंग वायर्स, इस तरीके से वाइंडिंग वायर जितनी भी होते हैं उस तरीके के इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आप देखोगे तो 35,000 MT पर ईयर का इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसको ये 45,000 कर रही है इस 2019 से। तो अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। और 18 कंट्रीज़ में अब तक ये है और 4 मैन्युफैक्चरिंग इसकी फैसिलिटी है। बहुत बढ़िया। एक नज़र डालते हैं इसकी हिस्ट्री पे। अगर आप देखोगे तो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 35,000 MT पर ईयर की है, जिसको ये इंक्रीज़ कर रही है 45,000 बाई 2019, मीन्स इसी 2019 में ही ये इसको करेगी। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये वाइंडिंग वायर्स की, पूरे साउथ एशिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो बहुत बढ़िया है कंपनी के लिए भी ये चीज़ें। अब नज़र डालते हैं इसके थोड़ा सा डिटेल्स में। प्रेसिजन वायर्स का अगर शेयर प्राइस आप देखोगे तो प्रेसिजन वायर्स 241 रुपये पर ट्रेड कर रही है। बहुत अभी थोड़ा सा डाउन है चल रहा है इसके प्राइस में। तो अच्छी खासी इसमें आप देखोगे तो न्यू ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है प्रिसीजन वायर्स में। टॉप की कंपनी है अपने सेक्टर की, एक मींस अपने सेक्टर की जैसे कहते हैं ना, अच्छा एक मोट वाली कंपनी है प्रिसीजन वायर्स। इसमें गुड न्यूज़ क्या है वो देखते हैं। गुड न्यूज़ ये है इस कंपनी में कि इस कंपनी ने अभी अपनी फैक्ट्री के नियर बाई एक बहुत बड़ी जो है खाली जमीन ली है, जिसमें अपनी बिल्डिंग्स को बढ़ाएगी। एक विद एग्जिस्टिंग वैकेंट फैक्ट्री बिल्डिंग है उसमें, मीन ये खाली बिल्डिंग भी है उसके अंदर, जहाँ पे ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का और बढ़ा सकती है। तो ये जो जो इसको डील हुई ये 7 करोड़ में पड़ी, इसको 7 करोड़ प्लस जो एक्स्ट्रा ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो है, तो इतने में इसको पड़ी है। तो अच्छी खासी ये है कि आप ये देखिए कि कंपनी के एक एसेट भी जुड़ गया 7 करोड़ का, तो बहुत बढ़िया बात है कंपनी के लिए। और वहाँ पर कंपनी अगर फैक्ट्री के बिल्कुल जस्ट पास में ऑलरेडी जहाँ पर एग्जिस्टिंग काम चल रहा है वहाँ उसके पास में जगह मिल जाए तो आपका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, इसीलिए बहुत बढ़िया है। सिलवासा में जो इसके फैक्ट्री है उसके नियर बाई इसने ये लिया है, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड अगर बात करें, एक छोटी स्मॉल कैप की कंपनी है, 550 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन आप इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वो बहुत बढ़िया है। अराउंड 17 रुपीज़ के अराउंड का अर्निंग पर शेयर है। बुक वैल्यू देखिए 84 की है और 84 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.86 का बन रहा है। प्राइस टू अर्निंग जो है वो 14.44 है। 52 वीक हाई अगर देखा जाए तो 345 था, वहाँ से गिर के थोड़ा नीचे आई है और 52 वीक लो इसका 138 है। बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया स्मॉल कैप की कंपनी, अच्छा एक काम है इस कंपनी का। अगर एक नज़र डालें इस कंपनी के डिटेल में, मींस जो इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स किस तरीके से, उस पर एक नज़र डालते हैं तो देखिए फाइनेंशियल की बात करते हैं तो कंपनी का देखिए 442 करोड़ का इसने अभी जून क्वार्टर में नेट सेल शो करी है, 419 क्वार्टर से बढ़ के। तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज नेट सेल में। वही अगर प्रॉफिट में देखा जाए तो 8 करोड़ से प्रॉफिट 11 करोड़ तक गया है, वो भी बहुत बढ़िया है। अगर डेट की बात करें तो कंपनी में 34 करोड़ का डेट है और 270 करोड़ के एसेट्स भी हैं, ये भी अच्छी बात है। अगेन वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी। और अगर बात करते हैं कंपनी के जो टेक्निकल एनालिसिस पर अगर हम जोर डालें, एक उससे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखा दूं कंपनी का कि किस तरीके से इसका कंपनी का पूरा पिछले 5 साल का ग्राफ है। देखिए 26 रुपये से कंपनी बढ़ के ऑलमोस्ट 350 के राउंड तक गई है और वहाँ से डिप अभी 240 के राउंड तक आया है। तो बहुत बढ़िया कंपनी का ग्रोथ पैटर्न भी रहा है। और अगर टेक्निकल एनालिसिस से देखा जाए तो आप खुद देखिए कंपनी का कितना बढ़िया ग्राफ दिख रहा है। और यहाँ पे ये देखिए सेप्टेम्बर, लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, ये 3-4 लाइन है, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। तो कंपनी एकदम 143 से बढ़ के सीधे 243 के राउंड तक पहुंच गई। तो आप खुद सोचिए 100 रुपये का जंप विद इन अ मंथ या विद इन सम डेज, ये देखिए 3 बहुत बड़े बड़े टावर्स दिखे थे। उसके बाद कंपनी ने रेगुलर जंप लिया और 2000 दिसंबर में फिर से देखिए बड़े बड़े टावर्स बने और कंपनी सीधे पार करके 325 तक पहुंच गई। फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में कंपनी नीचे आई, ये स्टॉक प्राइस नीचे आया 222 के अराउंड आया, फिर वहाँ से अच्छा खासा जंप देखने को मिला और 342 तक गया। तो आप देखिए इसका जो बेस है वो बेस बना हुआ है। आप ये देखिए ये पुराने जो इसके लाइन्स हैं, ये इसके सपोर्ट लाइन्स देखिए, अभी भी ये वहीं पर ही कंपनी उसी के अराउंड आसपास वापस आई। 224 के अराउंड की सपोर्ट लाइन है इसकी, 224 मानिए या 225 के अराउंड की सपोर्ट लाइन है। कंपनी अभी वहीं से ही वापस गई है, ये स्टॉक प्राइस वहीं से ही वापस गया है। और देखिए अभी ये जो ट्रेड कर रहा है वो इस लेवल पर कर रहा है, अराउंड 239 के लेवल पे। यहाँ से ये कंसोलिडेशन फेज में इसको मानूंगा, फिर इसमें एक जंप आने की उम्मीद है न्यूज से, ऐसा लग रहा है। तो देखिए एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ टेक्निकली आपको, तो ये देखिए एक तो मेरे को यहाँ पे जो है एक सपोर्ट लाइन दिखती है इसकी,
इस लेवल पे जहाँ पे अभी चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 220 के अराउंड पे लगाना है। ये देखिए, ये 220 के अराउंड पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो इस लेवल पे, तो अच्छा खासा ये एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो यहाँ पे। और अगर आप और थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करते हैं तो आप यहाँ पे 200 के अराउंड भी एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। तो आपके पास दो स्टॉप लॉसेस है, दो जगह पे आप एंट्री भी कर सकते हो अगर इस लेवल पे स्टॉक आता है तो। और आपका इमीडिएट टारगेट है वो देखिए 260 का दिख रहा है मुझे, इमीडिएट टारगेट जो दिख रहा है। उसके बाद सेकंड लेवल का टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है आपका 300 के, 305 के अराउंड। फिर तो उसके बाद अगला 330 का टारगेट है। इसको एक बार कंपनी ने पार कर दिया इस 330 से 340 के बैरियर को, उसके बाद फिर अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, एक छोटी कंपनी है जो अच्छा काम कर रही है इस तरीके से। स्मॉल कैप कंपनी जिसका अच्छा काम है, अच्छा बिजनेस है, वो है ये कंपनी। चलिए एक नज़र डालते हैं कंपनी के, अगर मैं वैल्यूएशन देखूँ बहुत सस्ते में मिल रहा है स्टॉक। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% का, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 16 से 17% का, बहुत बढ़िया। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का अगर आप देखते हो तो कुछ भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रोमोटर्स के ऑलमोस्ट 59.67% के शेयर्स हैं, और जो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर इसमें KCB सुगर्स एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का 1.5% शेयर है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 32.53% इसमें होल्डिंग बना रखी है, और एक FII ने इसमें होल्डिंग बना रखी है, म्यूचुअल फंड ने अभी होल्डिंग नहीं बना रखी है इसमें। तो आप देखिए और कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। तो ये जो मैं आपके लिए लेके आया था प्रेसिजन वायर्स एंड इंडिया लिमिटेड, प्रेसिजन वायर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है, और ये वेल्डिंग वायर मेनली बनाती है साउथ एशिया में, बढ़िया टॉप की कंपनी है। छोटा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन है 500 करोड़ के अराउंड का, अच्छी न्यूज़ है। एक फैक्ट्री के पास ही जगह ली है 7 करोड़ की, जब इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन का मौका मिलेगा तो कंपनी के स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।